सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस के बारे में। क्यों मैं इस चीज़ों को इसको बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग द डीएसी और एडीसी, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द डिजिटल एंड व्हाट इज द एनालॉग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, सो आई एम हियर टू गिव यू द बेस्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आवर एम्बेडेड सिस्टम। ओके, सो ये एक एम्बेडेड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरफेसिंग योर डिवाइसेस और यू आर गोइंग टू डिजाइन एन एम्बेडेड सिस्टम, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ डीएससी और एडीसी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डिज़ाइन इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एडीसी को डिज़ाइन कर सकते हो, 8 बिट 4 बिट एडीसी 12 बिट 16 बिट एडीसी के जो आते हैं डिवाइसेस, आप ऑल्सो यू कैन सिमुलेट, आप उसे सिमुलेट कर सकते हो, या आपके पास अगर एडीसी के डिवाइसेस नहीं है तो आप किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो वो भी बताऊंगा, पूरा डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा, क्योंकि ये मैं एनालॉग सर्किट का डीएसी के बारे में बात नहीं करूंगा, एक्चुअली होगा वही पार्ट, एक्चुअली बात करूंगा वो एनालॉग सर्किट का ही एडीसी है, ठीक है, और डिजिटल का ही डीएससी के बारे में बात करेंगे। बट ये जो मैं बात करूंगा ये डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, मतलब कि अगर इस टॉपिक को आप कवर करते हो तो आपका एनालॉग सर्किट का भी एडीसी डीएससी कवर हो जाएगा और आपका एम्बेडेड का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, अराउंड 3 से 4 से 5 वीडियो एडीसी और डीएससी के आएंगे, क्योंकि मैं इसमें पूरा बताऊंगा रेजोल्यूशन क्या होता है, स्टेप साइज के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, किस तरह से स्टेप साइज निकालते हैं, एडीसी से डीएससी कन्वर्ट कैसे करेंगे, डीएससी से एडीसी कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होने वाला जो मैं आपके साथ शेयर, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों को भी लेकर के मैं चलूंगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मैं आपको थ्योरी न्यूमेरिकल बेसिक आपको कॉन्सेप्चुअल थिंग ब्लॉक डायग्राम बना के बता दिया, नहीं, इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस होगा एक्चुअली, ठीक है। सो एनालिसिस वाले पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बट जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे व्हाट इज एनालॉग सर्किट और व्हाट इज एनालॉग, एनालॉग का मतलब क्या होता है और डिजिटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्यों एनालॉग को ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे क्यों डिजिटल को ज्यादा यूज किया जाता है, वेदर वेयर एज वी कैन सी इन आवर एनवायरमेंट और वी कैन टॉक अबाउट एनी थिंग दैट आर कंप्लीटली इन द एनालॉग फॉर्म। सो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों एनालॉग के आपको एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा, क्योंकि एवरीथिंग आर एग्जिस्ट इन एनालॉग सर्किट। बट जब हम बात करते हैं कि हमारा जो डिवाइसेस होते हैं वो क्यों डिजिटल पे काम करते हैं, उसे क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक एनालॉग की, वो क्यों एनालॉग को रीड नहीं कर पाता, उसे डिजिटल सिग्नल ही चाहिए होता है, सो दैट ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बात होंगी। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। ओके, सो वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल, फ्रॉम दिस साइड दिस इज सत्यम एंड लेट सी द वीडियो एंड कंप्लीट वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, देन आफ्टर यू विल गेट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो what is a analog signal? So if I am talking about the analog signal, so अगर आप कुछ भी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट में देखते हो दैट आर कम्प्लीटली इन एनालॉगस फॉर्म, मीन्स वॉट, क्या आप देखते हो, लाइक बात करता हूँ तो ह्यूमन वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो क्या है, एक एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है। फैन की स्पीड है वो क्या है, वो एक एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है। और बात करता हूँ तो आप थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हो वो थर्मोमीटर भी क्या बता रहा है, बेसिक, वो बेसिक क्या आपका बता रहा है, वो आपका बता रहा है एनालॉगस, ठीक है, वो एनालॉग के बारे में बता रहा है। और बात करता हूँ तो क्या होता है, स्पीड आप चेक करते हो दैट इज इन एनालॉग फॉर्म, ठीक है। वाटर के फ्लो को आप चेक करते हो दैट इज एनालॉग फॉर्म। अब इन्हीं सभी चीज़ों का मेजरमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सेंसर। बट आपको पता है कि जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो सेंसर को से जो एनालॉग है उसे रीड नहीं कर पाता, उसके लिए चाहिए उसे डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल को हम क्या करेंगे, यूजिंग द एडीसी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेंसर अगर बात करूंगा, इंफ्रारेड रेज हो गई, एक्सरे हो गई, आरएफ कम्युनिकेशन हो गई, सो ऑल आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग सिग्नल, बट आवर कंट्रोलर विल नीड, आवर कंट्रोलर रिक्वायर्ड डिजिटल सिग्नल। ओके, सो मैं कुछ आपको बेसिक सा एग्जांपल ले लेके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनालॉग सिग्नल मीन्स व्हाट,
what is the requirement of analog signal if I am talking about a microphone. So अगर मैं माइक्रोफोन की बात करता हूँ, सो जो हम अगर बात करता हूँ जो हमारे माइक हैं, तो हमारा वॉइस सिग्नल जो होता है बेसिक, हमारा जो वॉइस सिग्नल होता है, वॉइस सिग्नल दे आर इन द टर्म्स ऑफ एनालॉग. ठीक है, तो हमारा वॉइस सिग्नल क्या होता है, एनालॉग के फॉर्म में होता है. एंड यूजिंग दिस माइक्रोफोन हम क्या करते हैं, हमारा जो वॉइस होता है इसे ये डिटेक्ट करता हुआ क्या करता है, हमारे जो सर्किट होती है, हमारे जो एक एम्पलीफायर होती है, उस एम्पलीफायर का काम क्या होता है बेसिक, वो कन्वर्ट करता है किसको, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है इन द टर्म्स ऑफ पल्स. व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द PWM दैट इज पल्स विथ मॉड्यूलेशन, देन यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाउ इट विल PWM विल वर्क एंड हाउ वी कैन सेंड द डेटा इन टर्म्स ऑफ PWM. ओके, so this is a very important topic if I am talking about the embedded system, then this is a one of the most important for the interfacing and everywhere because. तो मैंने जो बात किया वो बात किया वॉइस सिग्नल जो आपकी होती है वो क्या होती है, एनालॉग की होती है. आप पहले के टाइम में HDD देखते होंगे, दैट इज़ हार्ड ड्राइव, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव होते हैं उसमें भी क्या होता है आपका बेसिक, उसमें भी जो आपके बेसिक्स होते हैं दैट इज़ अ एनालॉगस्ट. क्यों? क्योंकि एक प्लेटर होता है उसमें आपका, ठीक है, एक प्लेटर होता है और एक यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या करता है, रोटेशन करता है, जिसे हम RPM में मेज़र करते हैं. ठीक है, जिसे हम किस में मेज़र करते हैं, दैट इज़ RPM. हम किस में मेज़र करेंगे, RPM में मेज़र करते हैं. सो हम RPM में मेज़र कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में वो कितना रोटेशन कर रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये काम करता है. सो ये भी हमारा क्या, एक एनालॉग सिग्नल होता है. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिशन लाइन की. अगर बात करता हूँ ट्रांसमिशन लाइन की, अगर बात करता हूँ, सो व्हाट इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में हम वोल्टेज को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं. ठीक है, वोल्टेज को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ करंट. ठीक है, करंट का काम क्या होता है कि वोल्टेज को आगे की ओर पुश करना. ठीक है, जो हमारा वोल्टेज है एक पोटेंशियल है, वोल्टेज इज नथिंग बट जस्ट अ पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कोई वोल्टेज है, ये काम क्या करेगा, किसी करंट का काम होगा कि इस पॉइंट से वोल्टेज को आगे की ओर, ठीक है, पुश करना है ना, ये आगे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा, तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, ट्रैवल करेगा. ठीक है, तो ये चीज हमारा होता है. सो आई एम टॉकिंग ट्रांसमिशन लाइन, तो वोल्टेज जो हमारा ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या, एक एनालॉगस फॉर्म में है. ठीक है, सॉरी. और भी अगर मैं बात करता हूं तो और आप क्या बात कर सकते हो, दैट इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है, जो आपके फ़ोन से डेटा को आप ट्रांसमिट करते हो अपने नियर अबाउट द नेटवर्क, आपके जो नेटवर्क ऑपरेटर हैं, जो आपके आसपास के एरिया में जो टावर लगे हुए होंगे, क्या करता है आपका फ़ोन का जो RF कम्युनिकेशन के थ्रू वो डेटा को वहाँ भेजता है और फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एनालॉग इन नेचर है हमारा. ठीक है, और अगर बात करता हूँ तो हमारा डिजिटल कैमरा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटल कैमरा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा, ये मैं केवल कैमरा लिखता हूँ, ठीक है, सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज इन दिस टर्म. ठीक है, सो अगर मैं कैमरा की बात करता हूँ तो कैमरा का काम क्या होता है बेसिक, कैमरा का बेसिक जो काम होता है, टू कैप्चर एन इमेजेस वीडियोस. ठीक है, वो क्या करेगा, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए भी काम आता है. उसमें आप क्या कर सकते हो, आप फोटोज क्लिक कर सकते हो उसमें, और आप क्या कर सकते हो, वीडियो को कैप्चर कर सकते हो. बट एक्चुअल कैप्चर क्या हो रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल कैप्चर क्या हो रहा है, तो कैप्चर जो हमारा हो रहा है बेसिक, वो हो रहा है फोटोज. अब फोटोज जो कैप्चर हो रहा है वो किसमें हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ पिक्सल. ठीक है, अब बोलोगे सर व्हाट इज अ पिक्सल, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पिक्सल दैट आर कम्स अंडर द इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, पिक्सल का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल, बट एवरी पिक्सल्स आर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हो रही है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिजिटल कैमरा के बारे में बात करता हूँ तो द वॉकिंग ऑफ एन कैमरा, इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये पिक्सल को कैप्चर करता है, और पिक्सल का मतलब होता है क्या, सिर्फ दी 0 and 1. ठीक है, एवरी पिक्सल कैन बी आइदर 0 or 1. मीन्स वॉट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5
MB, अगर मेरे पास एक 5 MB की फाइल है, ठीक है, एक 5 MB की फाइल है, सो इससे मुझे क्या समझ में आता है, कोई मेरे पास एक फोटोज है, ठीक है, एक क्या है मेरे पास फोटो है जो कि 5 MB की फाइल है, और इस 5 MB का मतलब क्या होता है बेसिक, सो एम इज मीन्स वॉट, दैट इज मिलियन, ठीक है, एम इज मीन्स मेगा, एंड मेगा का मतलब होता है मिलियन, यानी 10^6, ठीक है, मेगा का मतलब होता है मिलियन, ठीक है, मेगा मतलब हो गया मिलियन, मिलियन मतलब 10^6, और अगर इससे मैं कन्वर्ट करता हूँ, अब बी इज मीन्स वॉट, दैट इज बाइट, ठीक है, और 1 byte इज इक्वल टू 8 bit, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits होते हैं हमारे पास, सो अगर मैं बात करता हूँ 5 into मल्टीप्लाई करूँ मेगा, मेगा यानी 10^6 into 8, सो 8 into 5 इज मीन्स वॉट 40 इंटू 10^6 मीन्स कितना हमारा हो गया, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो हमारा 40 मिलियन 10^6 को मैं मिलियन बोल सकता हूँ, 40 मिलियंस क्या हुए हमारे पास पिक्सल्स हुए, सोचो एक 5 MB की जो फाइल है वो 50 मिलियंस क्या करती है आपके पिक्चर्स को कैप्चर कर लेती है, ठीक है, 50 मिलियंस आपके पिक्सल को कैप्चर करती है, ओके, ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द पिक्सल, एंड पिक्सल का मतलब होता है बेसिक वोल्टेज, आपके फ़ोन से आपके कैमरे से जो लाइट निकल रही है, लाइट के रेज में निकल रही है, कैमरा भी जो होता है बेसिक क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है, और लाइट को कैप्चर करने का मतलब बेसिक होता है दे आर कैप्चरिंग द वोल्टेज ऑफ द लाइट, उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज, ठीक है, तो वो वोल्टेज के टर्म्स में क्या होता है हमारा डिसाइड होता है ना, और उस वोल्टेज को ही हम क्या करेंगे वो एनालॉगस होगा, जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज जो हमारा होगा वो क्या होता है एनालॉग होता है, ठीक है, वोल्टेज हमारा एनालॉग के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, सो तो ये हमारा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जांपल्स लेके बताएं अबाउट द एनालॉग, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ डिजिटल का क्या यूज़ होता है, ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द डिजिटल सिग्नल की, डिजिटल सिग्नल की क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल, सो डिजिटल सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ तो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर डिजाइनिंग और कंप्यूटर सिस्टम, सो हमारा जो भी काम होता है वो डिजिटल में होता है, और डिजिटल का मतलब सिंपल होता है दैट इज अ 0 and 1, दैट इज अ बाइनरी, ठीक है, हमारा कोई भी डिजाइनिंग होता है, कोई भी सिस्टम होता है जो, या माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूँ, एवरीथिंग आर वर्क इन द डोमेन ऑफ बाइनरी नंबर, ओके, आइदर इट कैन बी 0 or 1, ठीक है, यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, सो डिजिटल की अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके DAC हो सकते हैं, ठीक है, बट इन द नेचर की बात करता हूं तो सारे चीज एनालॉगस फॉर्म में है, सारे के सारे चीज एनालॉग के फॉर्म में, बट हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फील्ड, इन द टर्म्स ऑफ डिजिटल, सो उसके लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज DAC, दैट इज सॉरी ADC, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, कि हम क्या करेंगे एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि बात करता हूं तो माइक्रो प्रोसेसर, यहां पर एक एग्जाम्पल आता है माइक्रो प्रोसेसर एक एग्जाम्पल आता है अबाउट द डिजिटल सिस्टम, ठीक है, डिजिटल सिस्टम, क्योंकि एक कंप्यूटर का बात करता हूँ तो दिस इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम, ये किसी भी कंप्यूटर का हो या मोबाइल फ़ोन का हो, आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हो जिसमें कि प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हो, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हो, वहाँ पे एक प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बात करूँगा प्रोसेसर और कंट्रोलर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो प्रोसेसर में आपका इंटरनल मेमोरी नहीं होता है, बट आपको इंटरफेसिंग के लिए पॉइंट दी होती है, पिंस दी होती है, जिसे कि आप इंटरनल एक्सटर्नल क्या कर सकते हो मेमोरी इंटरफेस कर सकते हो, बट माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि आपकी इनबिल्ट मेमोरी होती है, इंटरनल फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में, सो जब मैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा क्यों एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस होता है, माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल पर्पज के लिए होता है, इसीलिए इसके अंदर स्पेसिफिक रैम हो गया, या बात करता हूं तो मेमोरी हो गई, ADC हो गई, स्पेशली इसके अंदर नहीं दी गई होती, क्यों, क्योंकि इसका काम होता है बेसिक प्रोसेस करना, यानी दैट मीन्स व्हाट, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ARM प्रोसेसर राइट नाउ दे आर द 7 or 11 स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइनिंग, ठीक है, जब पाइपलाइनिंग की भी बात करूंगा माइक्रो प्रोसेसर ARM में, जब मैं बात करूंगा ARM 11 जो हमारे उसमें 11 स्टेजेस हैं ऑफ हैं, जैसे कि बात करता हूँ नॉर्मल 8085 में हमारे 3 स्टेजेस होते हैं फेच एग्जीक्यूट एंड डिकोड, ठीक है, तो बट वहीं पर जब बात करता हूँ हम ARM के बारे में तो ARM में 7 stages, 9 stages, 11 stages तक आ चुके हैं, ठीक है, बहुत उसके अंदर और भी फीचर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो जब बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे,
सो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है बेसिक, कि आपका जो डेटा होता है इंस्ट्रक्शन होता है, आप बेसिक क्या करते हो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देते हो और वो क्या करता है बेसिक सेंड करता है। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ तो आपके वीडियोस फोन आपके सॉरी वीडियोस इमेजेस जितने भी होते हैं, ठीक है, जो आपके वीडियोस होते हैं इमेजेस होते हैं, है ना, वीडियोस हो गए इमेजेस हो गए, जो भी आपकी फाइल होती हैं ऐप्स होते हैं, लाइक व्हाट्सएप की बात करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप की बात करता हूँ, इफ फेसबुक की बात करता हूँ, जितने भी ऐप्स हैं दे आर ऑल आर इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी फॉर्म, ठीक है, बाइनरी में होते हैं, आपको दिखते नहीं है बिकॉज आप हाई लेवल पे काम करते हो, आप प्रोग्रामिंग करते हो सी सी प्लस प्लस जावा में, तो वो क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है, बट यूजिंग द कंपाइलर हम क्या करते हैं उसे बाइनरी में ही बाई डिफॉल्ट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं बाइनरी में ही कन्वर्ट करते हैं। आप जैसे कि एक फ़ोन में आप देखते हो कि आपके एक फ़ोन में एक ऐप है, ठीक है, एक फेसबुक का ऐप है, ये ऐप क्या है बेसिक, दिस इज वॉट, ये आपको केवल एक इंडिकेशन एक लोगो दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है एक आपका ऐप है, ठीक है, ये आपका क्या है बेसिक एक ऐप का लोगो है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या है जब आप इसे क्लिक करते हो तो होता क्या है बेसिक, ठीक है, होता क्या है इस ऐप में हम क्या करते हैं पूरे के पूरे कोड को इनबिल्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारा कोड होता है, जैसे कि आप जब फेसबुक पे क्लिक करते हो तो होता क्या एक्चुअल, ठीक है, होता क्या है आपके मेमोरी में आपका एक म्यूपी है, ठीक है, दैट इज अवर योर म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर, एक आपका मेमोरी है, ठीक है, आपने क्या किया बेसिक कि आपने फेसबुक पे जैसे क्लिक किया तो फेसबुक का एक खुद का एक क्या होगा एक आईडी होगा, यूनिक आईडी होगा, ठीक है, इस ऐप इस लोगो पे हमने क्या किया एक यूनिक आईडी दे रखा है ये, और जब इसे आप इंस्टॉल करते हो तो ये कहाँ जाता है मेमोरी में जाके एलोकेट हो जाता है, ठीक है, मान लो किसी इस एड्रेस पे जाके ये क्या हुआ एलोकेट हुआ, इसकी इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसको एक आईडी मिलेगी, सपोज करो मैं बोलता हूँ 1010, ठीक है, इस यूनिक आईडी पे क्या हुआ ये जा करके यहाँ फाइंड आउट करेगा, यहाँ पे सपोज करो ये फेसबुक का जो ऐप है ये यहाँ इस लोकेशन पे क्या है यहाँ पे रखा हुआ है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो आप कहाँ पहुँचते हो इस लोकेशन पे आप पहुँचते हो, ठीक है, इस लोकेशन पे क्या होगा जा करके ये चेक करेगा और वापस क्या करेगा ये अब आपके डिस्प्ले पे ये शो करेगा, ठीक है, आपके डिस्प्ले पे ये शो करेगा, ठीक है, तो ये जो है आपका फेसबुक ये क्या इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोग्राम, क्यों, क्योंकि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं, सो ये हमारा क्या कहलाता है बेसिक प्रोग्राम कहलाता है। अब इस प्रोग्राम जब आप फेसबुक आपका खुलने के बाद आप अंदर में जाके जो भी आपको फाइल्स दिखती हैं फोटोज दिखती हैं उसे हम बोलते हैं बेसिक डेटा। जब मैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि प्रोसेसर एंड प्रोग्राम एंड डेटा में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों के दोनों जो होते हैं सेम मेमोरी में ही होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं सेम मेमोरी में होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा काम डिफरेंट होता है, ठीक है, तो ये हमारा जो फेसबुक का था ये क्या था हमारा बेसिक एक प्रोग्राम है और इसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो डेटा है, ऑल आर द इन द फॉर्म टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर दैट इज इन द टर्म्स ऑफ 0 and 1, ठीक है, वो क्या होगा 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है, बट आप बोलोगे सर कि इसमें दिखता तो नहीं है हमें 0 और 1 क्योंकि हम जैसे क्लिक करते हैं तुरंत खुल जाता है, तो भाई आज के टाइम की जो प्रोसेसर की स्पीड है ना वो काफी ज्यादा हो चुकी है। प्रोसेसर की स्पीड की बात करता हूं तो लाइक अगर आप सुनते हो दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अब आप इस वर्ड को मत समझो, ठीक है, अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप इस वर्ड को समझ सकते हो, आपको वर्ड को बेसिक समझना होता है, यहाँ पे हर वर्ड के पीछे ही आपको डिफाइन की गई होती है बाय डिफॉल्ट चीजें, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं What is the meaning of 2.4 gigahertz? So if 2.4 gigahertz का मतलब क्या होता है? So first आपको यहाँ पे ये जानना है कि गीगा का मतलब क्या होता है? So गीगा is nothing but just a 2 to the power 30, है ना? And 2 to the power 30 is called that is billion. ठीक है? That is 2 to the power 30 means billions, है ना? ये 1 billion है हमारा, ठीक है? अब हर्ट्ज का मतलब आपको पता होता है बेसिक कि क्या होता है बेसिक फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ऑसिलेशन पर सेकंड, है ना, यानी एक सेकंड में हमारा कितना ऑसिलेशन होगा, ठीक है, ये बेसिक हमने इसको डिफाइन किया। अब इसमें आपको करना क्या है सिंपल सा, वैल्यू रखो देखो 2.4 × 1 billion यानी 2 to the power 30, और हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ बेसिक, जो हर्ट्ज हमारा है दैट इज फ्रीक्वेंसी यानी पर यूनिट सेकंड, ठीक है, यानी एक सेकंड में इतना साइकिल कंप्लीट करेगा। अब आप देखो कि एक सेकंड में इसने 2.4 बिलियन यानी क्या हुआ 2.4 बिलियन ऑपरेशन 2.4 बिलियन
ऑपरेशंस इसने क्या किया, परफॉर्म किया। अब 2.4 बिलियन ऑपरेशन ये एक सेकंड में परफॉर्म कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमारा जीरो है या वन है, किस क्या आप देखोगे, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइल होती है, लाइक अगर बात करता हूँ तो आपका VLC जो प्लेयर है, जो ऑडियो वीडियो के लिए आप यूज़ करते हो, तो VLC प्लेयर क्या है, वो एक प्रोग्राम है, उसके अंदर जो आपकी वीडियोज और ऑडियोज पड़ी है वो क्या आपका डेटा है, और वो डेटा किस फॉर्म में है, जीरो और वन के ही फॉर्म में है, ठीक है, बट आप उसे देख नहीं पाते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई सॉन्ग है और वो आपका 6 MB का है, तो इस 6 MB का मतलब क्या हुआ बेसिक, है ना, 6 MB का मतलब हुआ 6 मिलियन, और बाइट का मतलब हो गया बेसिक 8 बिट, तो 8 × 6 करेंगे तो 48 मिलियन, यानी 48 मिलियन क्या है यहाँ पे, जीरो और वन है, बट ये आपको देखने के लिए नहीं मिलती है क्योंकि प्रोसेसर आपकी इतनी फास्ट होती है, आपकी प्रोसेसर इतनी फास्ट है कि ये इस चीज़ को रीड ही नहीं दिखाई नहीं सकता है कि आपके अंदर कितने जीरो और वंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है, ठीक है, अबाउट द डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात किया, फिर आप बहुत सारे चीज़ों को आप देख सकते हो प्रैक्टिकल, ठीक है। तो हम बेसिक क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अबाउट द DAC, कि हमारा DAC क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं, क्या वर्किंग होती है DAC की, DAC कितनी तरह के होते हैं, कैसे DAC को डिज़ाइन करते हैं, उसमें वेटेज रजिस्टर क्या होते हैं, लैडर टाइप DAC क्या होते हैं, उसके रेजोल्यूशन क्या होती है, स्टेप साइज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 4-bit ADC कैसे डिज़ाइन करेंगे, 12-bit ADC किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, वो चीज़ें बताऊंगा आपको, करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आशा करूंगा आपको ये एनालॉग, पूरा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को समझ में आया होगा। सो हम अगले वीडियोस में बात करने वाले हैं DAC के बारे में, ठीक है। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि वो वीडियो आप देखो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अबाउट द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। मैंने कोशिश किया कि बहुत अच्छे से आपको डेप्थ में समझाऊं कि एनालॉग और डिजिटल में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो चलो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।